नमस्कार दोस्तों, आज के डेट में अपन बात करेंगे लॉयज स्टील की। दोस्तों, लॉयज स्टील ने बाउंस बैक कर दिया बड़ी गिरावट के बाद। लगातार 60 के लेवल से गिरावट में था और अभी बैक टू बैक अपर सर्किट देखने को मिले और अभी स्टॉक 44 के ऊपर ही दोस्तों सस्टेन हो रहा है। बड़ा सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ से ये जो लेवल है दोस्तों नीचे की ओर जब तक ब्रेकडाउन नहीं करता 44 का लेवल, तब तक बड़ी गिरावट स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। तब तक तो अपसाइड की ही संभावना बनी हुई है। अभी ट्रेंड भी है पॉजिटिव, तो यहाँ पर अभी इस तेजी के साथ खरीदारी की जा सकती है क्योंकि सस्टेन हो रहा है स्टॉक। जम के बाद सेलिंग प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऊपर की ओर दोस्तों जब तक स्टॉक एटलीस्ट 45 75, 45 80 और 46 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक बड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। 46 और 44 के बिटवीन कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन जैसे ही 46 के ऊपर ब्रेकआउट देगा उसके बाद अगेन आपको यहाँ से 50 से लेकर 54 तक के भी टारगेट शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो जब तक दोस्तों अभी 44 के ऊपर है, तब तक अपसाइड की ही संभावना बनी हुई है।